ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन में टूपल्स के बारे में। टूपल्स क्या होते हैं? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा पाइथन के अंदर लिस्ट के बारे में। होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट करा है, नहीं करा तो पहले उस वीडियो को चेकआउट करना। टूपल्स भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, हमने एक फाइल क्रिएट कर रखी है वीएस कोड के अंदर ट्यूपल डॉट पी वाई करके, और यहाँ पे अपना आउटपुट आता रहेगा। मैंने एक और फाइल बनाई थी जिसका नाम था ट्यूपल डॉट एम डी करके, ठीक है। तो क्लियर लीजिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस चीज़ को अच्छे से रीड करें। तो यहाँ पे लिख रखा है, पाइथन में एक ट्यूपल एक ऑर्डर कलेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये तो हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या, वो देखो, ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि चेंज नहीं कर सकते भाई। एक बार आपने अगर क्रिएट कर दिया ना ट्यूपल्स, तो इसको चेंज नहीं करा जा सकता। यहाँ पे इसमें लिख भी रखा है, यानी एक बार क्रिएट होने के बाद उनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में हम इसको चेंज कर सकते थे, हर एक एलिमेंट्स को चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें चीज़ें चेंजेबल नहीं है, मतलब इम्यूटेबल चीज़ें होती हैं, चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, टूपल्स को पैरेंथेसिस बेसिकली इसमें बनाया जाता है, इसमें डिफाइन किया जाता है। और यार, अलग अलग तरह के डेटा को हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट वगैरह, ये चीज़ें हम लोग उसके अंदर स्टोर कर ही सकते हैं। मतलब लिस्ट को भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी, इंटीजर भी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से करा जाता है। फिलहाल हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा, और ट्यूपल डॉट पी वाई करके मेरे पास एक फाइल है, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, एक आपके लिए ट्यूपल क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे माई एंड माई फ्रूट्स, FRIUTES, ओके, ठीक है, कुछ भी। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे बोल दिया एक एप्पल है, और इस तरीके से आपको एक इस तरीके से, मतलब ऐसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाते थे पहले, वैसे ही कुछ इसमें होता है। तो बनाना इस तरीके से मैंने बोल दिया, और फिर मैंने यहाँ पे ऑरेंज बोल दिया। तो एक मैंने टूपल बनाया। टूपल बनाने के लिए हमने देखा था उसके अंदर, बेसिकली मैं आपको दिखाऊं तो आपको किस में बनाना होता है, आपको बेसिकली इन ब्रैकेट्स में बनाना होता है, मतलब पैरेंथेसिस में बनाना होता है। तो इस तरीके से आपने ये लगाया, उसके अंदर कुछ इसमें आपने आइटम पास कर दिया, ठीक है, और इसको आपने असाइन कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। कूल, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ इस माई फ्रूट्स को, तो क्या रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, आपको इस तरीके से डेटा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका टाइप चेक करें, इस माई फ्रूट्स का टाइप चेक करें, तो क्या आता है, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ बोला प्रिंट करो टाइप किसका, बेसिकली माई एंड फ्रूट्स का, ओके। तो अब जैसे मैंने इसको सेव करा और मैंने प्रोग्राम को रन करा, तो आप यहाँ पे देखोगे इसका जो टाइप आ रहा है वो ट्यूपल आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वो देखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो अगर मुझे इस ट्यूपल्स के अंदर कितने आइटम्स हैं उसकी लेंथ निकालनी हो, तो ऑब्वियसली आप लेन मेथड का यूज कर सकते हो, जो लिस्ट के अंदर भी हमने करा था। तो आपको मैं दिखाऊँ, लिस्ट पी वाई करके यहाँ पे चलें अगर, तो ये देखो लेन मेथड का हमने उसमें यूज़ करा था। तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ट्यूपल्स के अंदर आइटम्स को अगर निकालना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं प्रिंट करता हूँ, और मैं काम करता हूँ इन दो लाइन्स को अभी के लिए मैं कॉमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो प्रिंट मैंने करा और मैंने बोला लेंथ, लेंथ का मतलब लेंथ, और किसकी लेंथ निकालनी है आपको, सिंपली माई फ्रूट्स की निकालनी है। तो आप इसमें इसको डाल दो, और फिलहाल आप यहाँ पे इसको रन करो। जैसे आप यहाँ पे इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे तीन मिलेगा, मतलब इसमें तीन आइटम्स है, 1, 2, ओबियसली 3, ठीक है, बढ़िया। तो लेन मेथड क्या करता है, उसकी कंप्लीट लेंथ निकाल के अपने को प्रोवाइड कर देता है एज ए आउटपुट, ठीक है। उसमें नंबर आपको देखने को मिलते हैं कि कितने आइटम्स उसके अंदर हैं। तो ये काम इसका लेंथ का होता है, ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मान लो मुझे माई फ्रूट्स को एक्सेस करना है, मुझे माई फ्रूट्स को एक्सेस करना है, मतलब माई फ्रूट्स में जो एप्पल है उसी को मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला प्रिंट करो, अगेन प्रिंट करो इस माई फ्रूट्स के अंदर 1 को। तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि इसमें बनाना आना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बनाना ही आएगा। तो क्लियरली सी यहाँ पे एक एरर है, मेरी फाइल यहाँ पे सेव हुई नहीं होगी। अगेन मैं इसको रन करूँगा, तो अब देखते हैं। तो अब इसमें देखो बनाना आ रहा है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0, तो यहाँ पे एप्पल आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर इसका क्या है, वो है 0। 0 पे सिंपली एप्पल है, ओके, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखेंगे और भी चीज़ें होती हैं आगे, देखेंगे, ठीक है। अब मुझे मान लो कि इस माई फ्रूट्स में जो एप्पल है उसकी वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, मुझे पाइनएप्पल करना है, एप्पल है उसकी जगह मुझे पाइनएप्पल करना है, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है, क्या मतलब चेंज करना है? तो हमने डेफिनेशन में तो देखा था कि ये इम्यूटेबल होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो इसमें इम्यूटेबल होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको करना चाहें चेंज, तो क्या होगा, कोई एरर आएगा, तो किस टाइप का एरर आएगा आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला जो भी अपना माई फ्रूट्स है उसके अंदर 0 पे जाके ऐड कर दीजिए सिंपली पाइन एप्पल, ठीक है, ओके। अगर मैं फिर प्रिंट करूँगा,
मेरी माई फ्रूट्स को, तो इसमें मुझे क्या देखने को मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें एक एरर आ रही है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, माई फ्रूट्स पाइनएप्पल टूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर फिर भी आपको चेंज करना तो कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको, ध्यान से सुनना, अगर आपको टूपल के आइटम्स को चेंज करना है तो आपको टूपल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर। लिस्ट के आइटम को हम चेंज, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, तो लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। पहले उस टूपल को कन्वर्ट कर दो किसमें, लिस्ट के अंदर। लिस्ट को चेंज कर दो, उसके बाद में उसको अगेन टूपल में चेंज कर दो, मतलब कन्वर्ट कर दो लिस्ट को, फिर आपका डेटा चेंज होके मिल जाएगा आपको। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि अब इस माई फ्रूट जो अपना टूपल्स है इसको किस तरीके से कन्वर्ट करा जाए, किसमें, लिस्ट के अंदर। वो देखो, मान लो एक मैंने इस तरीके से माई लिस्ट करके मैंने क्या बनाया, एक लिस्ट वेरिएबल बनाया। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा सिंपली माई फ्रूट्स को। तो अब इस माई लिस्ट का टाइप चेक करें तो इसका लिस्ट आएगा, टाइप लिस्ट आएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट करो सिंपली टाइप किसका, बेसिकली माई लिस्ट का। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें क्या आता है गाइस, यहाँ पे क्लास और यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। अभी ये टूपल नहीं रहा, ये लिस्ट बन चुकी है। तो यार आपको पता है लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है लेकिन टूपल को नहीं करा जा सकता। तो हमने टूपल को किस में कन्वर्ट करा, लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट के आइटम्स को हम चेंज कर देंगे, जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये लिस्ट है, तो मैं अगर प्रिंट करूँ सिंपली माई लिस्ट को, तो अब इसका आउटपुट देखिएगा किस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हर एक चीज़ को हम लोग बारीकी से एक्सप्लेन करके चलते हैं। देखो पहले ये कुछ इस तरीके से आ रहा था, पहले ये कुछ इस तरीके से आ रहा था, कहाँ पे गया भाई, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब ये इस तरीके से लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, कूल, ठीक है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं प्रिंट कर दूं वन को, सॉरी जीरो को, जो भी है, तो जीरो इंडेक्स पे माई लिस्ट पे क्या है वो दिखाओ। तो ऑब्वियसली एप्पल आना चाहिए ना, तो यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर देंगे इसको, तो आपको देखने को मिलेगा सिंपली एप्पल। वाओ नाइस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जो भी माई लिस्ट है उसके अंदर जीरो पे जो भी है उसकी वैल्यू को कर दो सिंपली पाइन एप्पल। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, पाइन एप्पल हो चुकी होगी, पक्का हो चुकी होगी। हाँ यार पक्का हो चुकी होगी। तो प्रिंट कर देते हैं एक बार माई लिस्ट को, आप इस तरीके से प्रिंट करो माई लिस्ट को, और अगेन आप सिंपली इसको सेव करो एंड रन करो प्रोग्राम को। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पाइन एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ऑल राइट, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पाइन एप्पल हो चुकी है, ठीक है, डन। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो माई लिस्ट है इसको हम अगेन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ट्यूपल्स में। ओके करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से वाई करके या फिर टी करके एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या बोला कि जो भी आपका ट्यूपल कंस्ट्रक्टर है उसका यूज करो और उसमें आपका जो माई लिस्ट है उसको डाल दो। तो जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो चुकी है अभी ट्यूपल्स में, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करें, अब प्रिंट करें इसको क्लियर। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो आपका एक ट्यूपल आ रहा है और इसमें पाइन एपल, बनाना, ऑरेंज। वाओ बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर टूपल की वैल्यू को चेंज करना ही है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करोगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। और लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, अब क्या कर सकते हैं, लिस्ट की कोई वैल्यू चेंज करके अगेन इसको कन्वर्ट कर देंगे ट्यूपल्स में, ट्यूपल को प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही है। ओके, तो होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, बढ़िया कूल। और क्या कर सकते हैं, और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, चलो और देख लेते हैं कुछ। जैसे कि मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे मान लो कि इसमें करना है सिंपली एक चीज़ ऐड करनी है, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है, मुझे अपेंड करनी है, तो वो भी चीज़ आप ऐसे कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, पहले वो चीज़ भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो जैसे मुझे अपेंड करनी है। तो ऑब्वियसली आप अपेंड इसमें ट्यूपल्स में तो कर नहीं सकते, लिस्ट के अंदर आप लोग अपेंड कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको मैं हटा के, मैं ऐसा कर सकता हूँ जो भी माइल में मैं अपेंड मेथड यूज़ करूँगा, अपेंड का मतलब एक ऐड कर दो, मैंने बोल दिया यहाँ पे पाइन एप्पल। अब ये जो पाइन एप्पल भाई साहब है ये लास्ट में ऐड हो जाएंगे किसके, इसके। और मैं क्या करूंगा फिर इस माई लिस्ट को ट्यूपल में ऐड कर दूंगा और मुझे जो भी रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आप लोग देख सकते हो, मुझे लास्ट में एक पाइन एप्पल और ऐड होता हुआ मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप लोग, बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोग अपेंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है यार, बहुत बढ़िया ये बात। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, अगर मुझे कोई आइटम रिमूव करना हो तो, रिमूव करना हो तो कैसे करोगे, रिमूव करना हो तो भी आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो माई लिस्ट के अंदर डॉट, माई लिस्ट के अंदर डॉट रिमूव कर दिया जाए सिंपली, सपोज दैट मैंने बनाना कर दिया इस तरीके से। तो अब इसको प्रिंट करेंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देखोगे मुझे एप्पल ऑरेंज देखने को मिल रहा है, बनाना यहाँ पे रिमूव हो चुका है।
हाँ क्योंकि इसमें तो कितने थे, इसमें तो यही थे ना, अगर मैं इस लाइन को भी चला दूँ तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे पाइनएप्पल भी लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो देखो पाइनएप्पल है, एप्पल है, ऑरेंज जब बनाना है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो रिमूव मेथड क्या करता है, चीज़ों को रिमूव करने के लिए काम आता है, चीज़ों को हटाने के लिए काम आता है। ठीक है बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ओके ओके दैट्स इट, इस तरीके से हमने चीज़ों को देखा। अब हम कुछ और बात करते हैं, और क्या बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि मुझे मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है कि ये जो एप्पल बनाना, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जो ट्यूपल्स हैं उनको हम लोग जैसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊँ, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले इतना इतना, और नीचे लेके आते हैं, इसी को नीचे लेके आते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कुछ दो तीन आइटम और डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया पाइन एप्पल, और मैंने यहाँ पे एक बोल दिया जैसे चेरी, इस तरीके से, तो और भी हो सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस एप्पल को मैं लास्ट में डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर मैंने इस तरीके से बोल दिया। अब देखना गाइज कैसे उसको मतलब आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कुछ ऐसा करना है, और फिर आपको लिखना है माई फ्रूट्स से, जो भी आपका माई फ्रूट्स है उससे आप क्या करो, सबसे पहले बनाना अलग कर दो। तो मैंने यहाँ पे बनाना अलग कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे ऑरेंज अलग कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे सिंपली पाइन एप्पल अलग कर दिया, फिर मैंने देखना, अब देखना ध्यान से, अगर मैं स्टार लगा के इस तरीके से रेड कर दूँ, तो मतलब ये जो चेरी और एप्पल मान लो रेड होते हैं, और ये ऑरेंज है, इसको भी मैं रेड ही बोल देता हूँ। तो एक काम करते हैं, ऑरेंज भी वैसे रेड तो होता नहीं, लेकिन चलो इसको रेड की कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि जो ऑरेंज है इसको कट कीजिए, और इसको आप कहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, ठीक है। ओके ठीक है, मुझे एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाना पाइनएप्पल जो भी है, बनाना पाइनएप्पल है वो तो ठीक है, और बाकी के जितने भी हैं वो रेड, एक ऐसा मान लो कि वेरिएबल है उसके अंदर चले गए हैं वो। तो क्या रेड को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, रेड को प्रिंट करेंगे तो ऑरेंज आएगा, चेरी आएगा, एप्पल आएगा। चलो दिखाओ यार, चलो दिखाते हैं आपको। तो मैं प्रिंट करता हूँ सिंपली इस रेड को, तो आप लोग एक बार नोटिस करना, देखना यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं रन करता हूँ अगेन इसको, और अब सेव करते हैं, इसमें अगेन प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बताता हूँ इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पे ये बनाना, एक सेकंड, इसको मैं ऐसे डाल सकता हूँ जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे होता है, और पाइन एप्पल का कलर कौन सा करें, कौन सा करें, कोई भी कर दो। मैं एक काम करता हूँ उसका कलर कर देता हूँ जैसे कि ग्रीन, कुछ भी कर दो। तो इस तरीके से येलो ग्रीन, अब येलो इसके लिए, ग्रीन इसके लिए, बाकी के सारे इसके बाद में बचे वो सारे रेड। अच्छा तो अब क्या होगा, चलो देखते हैं। तो क्लियरली सी मैंने रेड को प्रिंट करा, तो इसमें ऑरेंज कैरी और कैरिनी चेरी जो भी है, एप्पल यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अच्छा ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ भाई साहब सिंपली येलो को, और प्रिंट करते हैं सिंपली रेड को, नॉट रिवर्स्ड, रेड नहीं, रेड नहीं, सॉरी, ग्रीन को, तो ग्रीन में था अपना पाइनएप्पल, पहले होगा ये चीज़ें प्रिंट, फिर उसके बाद में येलो मैंने प्रिंट करा तो ये होगा, उसके बाद में ग्रीन मैंने प्रिंट करा तो ये होगा, तो लास्ट में पाइनएप्पल होगा। मतलब कहने का बात ये है, कहने की बात ये है। तो मुझे देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अगेन सेव करूंगा मैं इसको, और जैसे मैं सेव करूंगा इसमें, तो पी एल इज़ नॉट डिफाइंड, कौन सा पी एल डिफाइंड नहीं है, पी एल इज़ नॉट डिफाइंड, तो आई थिंक नेम एरर है। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे आके, मैं देखना चाहूँगा भाई कहाँ पे गड़बड़ी कर दी मैंने। अगेन रन करते हैं इसको, देखो सही है, मैंने फाइल को सेव नहीं करा था, तो यहाँ पे पहले ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है बढ़िया। लेकिन आप इसमें देखो कि मैंने रेड को प्रिंट करा तो ये लिस्ट के अंदर डेटा को प्रिंट कर रहा है, बेसिकली ट्यूपल्स भी अपने आप पे कन्वर्ट हो रहा है, और ये ट्यूपल्स लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा। ठीक है ओके डन। अब बात करते हैं कि दो ट्यूपल्स को किस तरीके से कंबाइन करा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है ओके। और मैं एक माई नम करके, इस तरीके से नंबर करके कि मैं इस तरीके से ट्यूपल्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और बेसिकली 7। तो इस तरीके से मैंने कुछ नंबर डाला। अब देखो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा काम करना है, माई फ्रूट्स प्लस माई माई नम, दैट्स इट। तो दोनों को हमने कंकेटिनेट कर दिया, कुल मिला के बात यह है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर रन करूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलता है,
पूरा एक टूपल देखने को मिलता है इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि यार ये माई नम को मैं 3 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो जो भी माई नम है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अच्छा फिर क्या होगा, ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा पक्का। हाँ पक्का पक्का बिल्कुल। तो आप क्लियर देख सकते हो 1 2 3 4 इस तरीके से 7 तक है, और फिर अगेन ये 7 तक है, फिर अगेन ये 7 तक है। तो 3 बार हमने प्रिंट करा माई नम को, तो मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से आप करके ये चीज़ भी अचीव कर सकते हो। वाह नाइस। तो इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी ट्यूपल्स है उसको प्रिंट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, मल्टी टाइम्स उसको हम रेंडर करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ मेथड्स वगैरह की। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर टाइप करा 6, एक मैंने 8 टाइप करा, अगेन मैंने यहाँ पे 6 टाइप करा, ठीक है। तो 6 कितनी बार है, 1 2 3 बार यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा ट्यूपल्स है, उसके अंदर आपको क्या करने हैं, जैसे 6 कितनी बार आ रहा है वो काउंट करना है आपको। तो उसके लिए आप काउंट मेथड यूज कर सकते हो। अच्छा कैसे भाई, ऐसे सिंपली कुछ प्रिंट करो, और क्या प्रिंट करो सिंपली, आप क्या करो काउंट कीजिए, ये जो माई नम है इसके अंदर क्या कीजिए, काउंट मेथड यूज करो, और इसके अंदर फिर आप बोल सकते हो किसको किसको दिखाना है। तो मैंने बोल दिया 6 को। अच्छा 6 कितनी बार आया वो प्रिंट करो, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट 3 आना चाहिए। तो सेव करते हैं, क्या दिक्कत हो गई इसमें, अगेन रन करते हैं इसको। तो अब इसका आउटपुट देख सकते हो 3 आ रहा है। ओके ओके ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7, चलो 8 कर दिया, तो 8 तो एक ही बार है इसमें, तो अब इसका आउटपुट 1 आना चाहिए। ओके 1 आ रहा है, ठीक है। एक मेथड और बताता हूँ मैं आपको, अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे माई नम के अंदर डॉट इंडेक्स मेथड, और इंडेक्स मेथड मैंने डाल दिया कि भाई 4 किस इंडेक्स पे है, अभी 4 किस इंडेक्स पे रखा गया है, तो 0 1 2 3 इसका आउटपुट आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, तो इसका आउटपुट 3 आ रहा है, ये 1 प्रिंट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने काउंट मेथड यूज़ कर रखा है। अब इसका देखोगे तो ओनली 3 आएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 आ रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ इसमें 6 को, तो 6 किस इंडेक्स पे, पहले वाले को पॉइंट करेगा ये, तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 है 6 पे, तो इसमें आना चाहिए इसका रिजल्ट 5। तो क्लियरली सी यहाँ पे 5 आ रहा है, बढ़िया बहुत ही बढ़िया। होप कि आपको ये मेथड्स वगैरह समझ में आए, काउंट इंडेक्स वगैरह समझ में आया आपको, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन मतलब कंकेटिनेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे दो दो ट्यूपल्स को बेसिकली। चीज़ हमने देखी किस तरीके से हम रिमूव करना चाहते हैं, किस तरीके से अपेंड करना चाहते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं अपेंड रिमूव मेथड से, ठीक है। और फिर हमने बात करी किस तरीके से उसका टाइप चेक करना होता है, किस तरीके से उसमें आप चीज़ें अपडेट करते हो लिस्ट में, किस तरीके से कन्वर्ट करते हो चीज़ों को, लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें हमने ट्यूपल्स के अंदर आज के इस वीडियो में क्लियर कर ली हैं। अब आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।